Assalamu alaikum friends, today we are going to discuss about William Blake. William Blake was born on 28 November 1757, and he was the first of the great English romantic poets as well as painter, engraver and printmaker. He was the third son of a London hosier. Hosier ek aise bande ko kehte hain which used to do a business of stockings. Wo ek bahut hi gareeb family se taluq rakhta tha. Wo itne koi high fi family se nahi tha aur wo ek aam se school mein hi uska admission karwaya gaya. वो एक सेल्फ टॉट पॉइंट मतलब किसी स्कूल किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं गए बल्कि घर ही पर उन्होंने जो एजुकेशन हासिल की अपनी मदर से ही हासिल की एंड उन्होंने पोइट्री 12 साल की उम्र में ही लिखना स्टार्ट कर दी थी. उन्होंने जो फर्स्ट पोइम लिखी उसका टाइटल था पोइटिकल स्केचेस जो उन्होंने 1783 में पब्लिश करवाई. उनको बाद में एक जॉब पर लगा दिया गया 1771 में लंदन में एक इंग्रेवर के पास जिनका नाम था जेम्स बेजायर और उस वक्त उनकी एज 14 इयर्स की थी. ही स्टडीड इन द रॉयल एकेडमी स्कूल. फिर वहाँ पर उन्होंने रॉयल एकेडमी स्कूल में एजुकेशन हासिल की लेकिन उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो गोथिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर था. फिर उन्होंने इसके बाद डिज़ाइन किया वाटर कलर्स एंड इंग्रेव्ड इलस्ट्रेशंस फॉर मैगजीन्स. वो मैगजीन के लिए जो है वाटर कलर्स लिख के बेचते थे और इंग्रेव्ड इनके क्रिएशंस होती थी मैगजीन के लिए. और इसके बाद उन्होंने बाइबल भी रीड की हुई थी जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था विलियम ब्लेक पे. एट एन अर्ली एज Blake began experiencing visions. मतलब कि उनके visions बहुत ज़्यादा clear थे और छोटी सी उम्र में ही उनको बहुत ज़्यादा clear visions आने लगे थे. और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक दफ़ा एक tree देखा था which was full of the angels. His friend the journalist Henry Crabb Robinson wrote that Blake saw the gods head. ये चीज़ उन्होंने इनके फ्रेंड क्रैब रॉबिन्सन ने बताई कि उन्होंने गॉड का हेड देखा था विंडो में जब वो सिर्फ 4 साल के थे. सम ऑफ द विलियम ब्लेक्स आर्ट केम फ्रॉम अ स्टाइल दैट कंसिस्टेड ऑफ एचिंग कॉपर प्लेट्स एंड फिनिशिंग देम विद वाटर कलर. अब वो क्या करते थे कि कॉपर की प्लेट्स में बहुत वो एक तरह से खुदाई करके पेंटिंग बनाते थे और फिर उन पर वाटर कलर किया करते थे. इनकी जो है वो एक आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है गॉड जजिंग एडम एंड द एंशियंट ऑफ डेज. इन 1783 विलियम ब्लेक मैरिड कैथरीन बाउचर लेटर. और फिर इसके बाद क्या हुआ उन्होंने कैथरीन बाउचर से शादी की और फिर इनसे कैथरीन बाउचर ने भी बहुत सारा वर्क सीखा जो वो पेंट और प्रिंट मेकिंग करते थे और फिर वो भी इनके काम में हेल्प करने लगी. William Blake created works up until he was 70 years old. William Blake जो है वो अपनी डेथ तक ये काम करते रहे. And William Blake passed away in August 12, 1827. 12 अगस्त 1827 में इनकी डेथ हो गई और इनको अनमार्क्ड ग्रेव में दफनाया गया जिसका नाम है बन हिल फील्ड्स जो कि लंदन में वाकया है. और इसके बाद अब हमने चूँकि डिस्कस किया था कि ही वॉज अ रोमांटिक पोएट सो लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बैट वॉट इज रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट स्पैनिंग रफली फ्रॉम 1790 टू 1850. ये रोमांटिक मूवमेंट जो है वो 1790 से स्टार्ट हुई और 1850 तक ये रही. एंड रोमांटिसिज्म मूवमेंट जो है वो ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करती है ऑन द नरेटर्स इमोशंस एंड इनर वर्ल्ड.
और फर्दर मोर उनकी ब्यूटी, इमेजिनेशन, रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, चूँकि उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन थी तो बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म पे काम किया जाता था, लेकिन जब रोमांटिसिज्म आई तो उसने जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को थॉरली मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया और मुकम्मल फोकस किया ह्यूमंस के इमोशंस पर, एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और रैशनलिज्म, सोशल कन्वेंशन, चिल्ड्रन एंड मोर। उनका जो फोकस था वो रूरल लाइफ पे था, जैसा कि विलियम ब्लेक कहते हैं कि रूरल लाइफ जो है वो ट्रू लाइफ है, मतलब इनकी लैंग्वेज जो है वो एक इम्प्रूव्ड लैंग्वेज होती है विच इज़ फ्री ऑफ बायसनेस। एंड द रोमांटिक पोइट्री हैज़ बिकम अ डायरेक्ट लिंक टू नेचर पोइट्री। अब ब्लेक जो हैं वो रोमांटिक पोइट्री करते थे, जिसको हम कह सकते हैं कि पोइट्री अबाउट नेचर करते थे। जो भी रोमांटिक पोइट्री करते हैं वो हमेशा अपनी पोइट्री में नेचुरल थिंग्स को डिस्कस करते हैं। रोमांटिक पोइट्री हैज़ टू द पॉपुलर माइंड बिकम ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद द नेचुरल पोइट्री। वही बात कि रोमांटिक पोइट्री जो है वो ज़्यादातर अपने अंदर नेचुरल की चीज़ों को एब्जॉर्ब किए होती है। और रोमांटिक पोइम्स usually present the background with the human life, expressiveness and passion, and they correspond nature with the spiritual world. Romantic poems apne andar jo hai wo human experiences ko batati hain, human life ko aur unki expressions ko, unke emotion, unke passions ko batati hain, jo ke jo hai wo bilkul nature aur spiritual world ke sath unka taluq hota hai. Natural objects are corresponding to an inner or spiritual world in his writings. उसके writings में जो है वो natural objects को बिल्कुल एक तरह से spiritual work की तरह का काम दे दिया जाता है. Symbols which any part of the nature is presented as an object displayed beyond itself. अब उन्होंने किस तरह की राइटिंग की, एक तो सिंबल्स उन्होंने यूज़ की हैं और सिंबल्स में इस तरह की उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले किया है जो अपने अंदर ना सिर्फ अपने सामने देखने वालों को अपने सामने की चीज़ें प्रेजेंट कर रही है, बल्कि इनके अंदर उनकी बियॉन्ड की चीज़ें भी वो उनकी पोइट्री रिप्रेजेंट करती है. एंड दैट्स द एंड ऑफ द विलियम ब्लेक्स इंट्रोडक्शन एंड द रोमांटिक मोमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.